लेकिन ये कलर कलर कैसे खेलते हैं? अरे बहुत सिंपल गेम है, देख हम लोग में से कोई एक डिनर होगा, हमें उसे बोलना होगा कलर कलर विच कलर। हाँ, वो कोई भी एक कलर बोलेगा, वो कलर की चीज को हमें हाथ लगाना होगा और जिसने हाथ नहीं लगाया वो आउट। हाँ, मतलब ब्लू कलर बोला तो ब्लू कलर का टच करने का? नहीं नहीं, जितने भी जन खेल रहे हैं ना उनके कपड़ों पे अगर वो कलर है तो हम उसे टच नहीं कर सकते। समझा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। गुली एक काम कर, तू डैन दे, वो अपने आप समझ जाएगा। अरे मैं क्यों, तू देना। हाँ गुली, हाँ तू डैन दे, तू डैन दे। हाँ ठीक है, चल मैं डैन देता हूँ। चल पहले तो थोड़ा दूर जा। हाँ हाँ, दूर जा बस, थोड़ा दूर। और और कलर कलर विच कलर? स्काई ब्लू। आज तो गोगी भी फास्ट भाग गया। अब वापस दे दे। कौन सा कलर बोलूं जो यहाँ पे नहीं है? पिंक पिंक पिंक। मैं 10 मिनट में ऑफिस में आता हूँ। हाँ कलर यह कहता गेम है। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ कलर कलर विच कलर? अरे लेकिन मेरा को तो छोड़ो मेरा को। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी मरले। कलर कलर विच कलर? बस अभी झाड़ है इधर। कलर कलर विच कलर? फिर से ब्लैक। फ्रेंड्स अभी मैं थक गया, दूसरी बार गेम खेलते हैं। आइडिया, हमें दिवाली में जो गिफ्ट मिली है हम उसमें से कुछ खेलते हैं ना? हाँ, सुंदर मामा ने जो वीडियो गेम दिया वो खेलते हैं। नहीं नहीं टप्पू, वीडियो गेम नहीं यार, कुछ और खेलते हैं ना। अरे मेरे बाबा ने मुझे एक किताब दी है, नॉलेज विद फन, मेरे घर पे जाके वो पढ़ते हैं। अरे सोनू, फन विद बुक कभी होता है क्या? इम्पॉसिबल। अरे बहुत मजा आएगा। सोनू हम स्कूल टाइम में तो बुक्स पढ़ते हैं ना, और अभी वेकेशन में कौन बुक्स पढ़ेगा? और वैसे भी तेरे घर जाना बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, बीड़े अंकल हम सबको बिठा देंगे पढ़ाई करने, और फिर कहेंगे हमारे जमाने में हम वेकेशन में रोज एक घंटा पढ़ा करते थे। टप्पू, सॉरी सोनू, मेरे काका ने क्रिकेट का किट भेजा है, वो लेके आऊं? नहीं नहीं पिंगू, क्रिकेट तो हम लोग हर रोज खेलते हैं। मेरे पापा ने ना रिमोट कंट्रोल कार दी है, वो खेलते हैं। चल गोली, मुझे तेरी कार से नहीं खेलना। तो ठीक है गोली, तेरे पापा ने चलाया वो खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम सबके पापा यही है इसलिए तुम लोग को गिफ्ट मिली है, पर मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं। अरे हाँ, हाथी अंकल तो वजन कम करने के लिए नेचर कैंप गए हैं ना। हाँ फ्रेंड्स, आई एम रियली मिसिंग माय पापा। अरे गोली, तू उदास क्यों हो रहा है? जैसे ही तेरे पापा का वजन कम हो जाएगा वो आ जाएंगे। हाँ गोली, और वैसे भी गोली, सुंदर मामा ने जो गिफ्ट भेजी है वो हम सबकी तो है। हाँ चल गोली, तुझे जो गेम खेलने वो खेलते। चल मुझे कोई गेम नहीं खेलनी है। अरे गोली, अरे गोली, अरे गोली, अरे गोली, गोली।
पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए ना पापा प्लीज। अरे गोली बेटे तू तो खेलने गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया? मम्मी मुझे पापा से बात करनी है। ऐसे अचानक क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे पापा से अब भी बात करनी है। गोली तुम तो जानते हो ना बेटा, पापा जहाँ वजन कम करने गए हैं वो नेचुरोपैथी वालों के रूल्स तो मिलिट्री के रूल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली नो फोन कॉल्स अलाउड। वजन कम करने वालों को कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपने फैमिली वालों के साथ बात करने से वो इमोशनली कमजोर पड़ सकते बेटा, और कुछ पेशेंट्स तो आधी ट्रीटमेंट से ही घर वापस आ जाते। मम्मी यही तो मैं चाहता हूँ कि पापा घर वापस आ जाए। अरे मतलब इतने दिनों तक वो ट्रीटमेंट पे मेहनत कर रहे हैं, उस पे पानी फिर जाए। मम्मी मैं भी तो मोटा हूँ देखो। मम्मी मैं भी वहाँ वजन घटाने के लिए चला जाता हूँ, उस बहाने में पापा को भी मिल लूंगा। Come on, गोली तुम इतने भी मोटे नहीं हो कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। मम्मी मैं मोटा हूँ। तुम मोटे नहीं हो। मम्मी मैं मोटा ही हूँ, इसलिए तो भीड़ अंकल मुझे घोड़े बुलाते हैं। नो बेबी तुम मोटे नहीं हो। मम्मी मैं मोटा नहीं हूँ ना। तो ठीक है, आज से मैं दिन में 10 बार खाऊंगा और पापा जैसा वजन बढ़ाऊंगा और ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा। जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। गुली क्या पागल हो जैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी सुबह तक तुमने इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, अब मैं तुम्हें दोपहर को 2 बजे ही खाना दूंगी। तुम मुझे खाना नहीं दोगी? नहीं नहीं दोगी? नहीं नहीं दोगी? नहीं। ओके गोली गोली। लगता है ये सब भी घर चले गए। चलो अच्छा है, पहले सोड़ी अंकल के वहां पे खाता हूँ। यस। हंस सच कहूँ, गोली के साथ साथ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ दिन और जुदाई बर्दाश्त कर लूँगी। बट हंस कम बैक सून। हाँ गरम है। हाँ आस्ते खाना। हाँ तो मुंह जलेगा। हाँ आंखों खत्म कर जे। हाय गोगी। हाय गोली। हाय रोशन आंटी। हाय गोली दिकरा, आवी जा आवी जा। नूडल्स खाएगा क्या? मम्मी ये भी क्या पूछने की बात है? मेरा दोस्त तो जरूर नाश्ता करेगा। ओके ओके चल गोली बैठ जा। खा दिकरा। हाँ रोशन आंटी और और एक मिनट। हेलो हेलो रोशन भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ कोमल भाभी, सेब जी कैम छो? गोली वहाँ है। गोली? हाँ वो तो इधर ही है। क्या कर रहा है वो? गोगी के साथ बैठ के नूडल्स खा रहा है। रोशन भाभी प्लीज उसे कुछ खाने मत दीजिए। पन क्यों? वो उसका वजन बढ़ जाएगा ना। अरे नहीं रे नहीं कोमल भाभी, एक दिन खाने में ऐसे वजन थोड़ी ना बढ़ता है बाबा। रोशन भाभी मैं बाद में आपको सब डिटेल में समझा दूंगी, फिलहाल आप उसे कुछ खाने मत देना और उसे कहना कि वो जल्द से जल्द घर पर आ जाए, उसकी मम्मी उसे बुला रही है। गोली दिकरा कोमल भाभी अब भी तेरे को अर्जेंट गेट पे बुला रही है। अरे समझ कोमल भाभी, गोली तो भाग गया। क्या? अच्छा थैंक यू रोशन भाभी। ओके बाय। सूट है यू सू? ओह गॉड, ये गोली का वजन बढ़ाओ मिशन मुझे किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। अख्या जगावर्ती दहशतवाद लादेन लादेन। हाँ अख्या जगावर्ती दहशतवाद लादेन ओसामा बिन लादेन। हाय सोनू। हाय गोली। आंटी है? हाँ है ना। जरा बुलाना, काम है। क्यों क्या काम है? उनसे ही काम है। क्या गोलिया अंकल को भी नहीं बताएगा क्या काम है? सॉरी आप दोनों इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। माधवी आंटी, माधवी आंटी। अरे गोली बेटा बोलो बोलो। मुझे भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता मिलेगा? हाँ बेटा जरूर। तत्काल हो
उड़ो, बैठो बैठो मैं लेकर आती हूँ। यार गोलिया, आज मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया। मांगा था पर दिया नहीं। है? क्यों गोली? कमाल। हाँ। लो बेटा, आराम से खाओ। हाँ, और कुछ लाओ? नहीं और कुछ नहीं, ये ही लाना। ये खत्म हो जाने के बाद। खाबो। कमलत से खाओ खाओ। कहाँ जमते का नहीं? हाँ बोलिए। गोली आपके यहाँ आया है? हाँ हाँ बिल्कुल। जरा प्लीज उसे फोन दीजिए ना। नहीं 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 ये बहुत गलत बात है। देखिए बच्चे मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ना खाने की सजा दी जाए। बढ़ते बच्चों को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी होता है, और आपको तो उसकी खुराक मालूम होनी चाहिए, आप तो उसकी माँ है। और खास करके ऐसे बच्चे तो भूख बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, उनको चक्कर आ सकता है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं 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 आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे भिड़े भाई आप जानते नहीं हो, वो ऑलरेडी नाश्ता कर चुका है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। खाए भिड़े भाई प्लीज आप उसके हाथ से डिश ले लीजिए। एक्चुअली बात यह है कि गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, और आप तो जानते ही हो हंस जहाँ गए हैं वो नेचुरोपैथ कैंप के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ। ना कोई उन्हें मिलने जा सकता है, ना कोई फोन कर सकता है। बिल्कुल। और आधी ट्रीटमेंट छोड़कर हंस भी नहीं आ सकते हैं। बराबर है। इसलिए गोली ने ये ठान लिया है कि वो अपना वजन बढ़ाकर कम करने के बहाने अपने पापा से मिल लेगा। ये देवा, ये बात है। लेकिन कोमल भाभी तो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा है। अरे सावकाश, इसीलिए भिड़े भाई उसे प्लीज कुछ मत देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गोया नाश्ता बनकर नहीं करने का नाश्ता। अरे बोला ना नाश्ता नहीं करने का। नहीं भिड़े कर क्या भिड़े, मैं बाजू 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 बाजू। नहीं 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 बिल्कुल नाश्ता नहीं, ये गोया तुम्हें बिल्कुल नाश्ता नहीं मिलेगा। माधवी तला अजीब बात नाश्ता दे उन लोगों से। वो कहा? अरे भिड़े अंकल, छोटे बच्चों से नाश्ता छीनने का आपको पाप लगेगा, पाप। ये छोटे बच्चे, अगर तुझे मैंने ये नाश्ता दिया ना तो मुझे ज्यादा पाप लगेगा। अरे बात बोलता है तू भी। माधवी ये जिद में नाश्ता कर रहा है। जिद में? क्या हुआ गोली बेटा? कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। नहीं तो पाला बगीचना बगीचना पाला बगीचना हेलो काय नक्की पण। अरे कोमल भाभी अभी मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि अब टप्पू के घर जाकर खाता हूँ। यस गोली घर से अब भी क्या पीछे? नहीं मम्मी मैं वजन बढ़ाऊ मिशन पर हूँ। नहीं मम्मा प्लीज। अच्छा तो फिर मैं गोली को रोको मिशन पर हूँ। नहीं मम्मा प्लीज। मेरी बात सुन, तू जिद मत कर, गोली खड़े रहो। चलो कोमल भाभी क्या हुआ? अब्दुल मुझे इसे घर लेकर जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ, नहीं अब्दुल, अब्दुल तुझे सोने की कसम। हाँ? नहीं गोली, गोली अब तो सोने की कसम हो गई है। अब तू क्या तेरे पापा को उठा कर लेके जाना पड़ा ना, तो उठा कर लेके जाऊंगा। चल 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 पापा के पास जाना है। हाँ चल 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 की भूख लगती है उसमें सेव कुरमुरा। देखिए मसालेदार कड़क करारे कुरमुरे के साथ चटाकेदार रत्तम से सेव है, अब खाइए तो सही मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये सेव कुरमुरा 56 भोग का कोई पकवान हो।
अरे दया, सेव कुरमुरे से पेट नहीं भरता है, वो कितना भी खाओ ऐसा लगता है जैसे खाली जेब में दो तीन चवन्नियां घूम रही हो। अच्छा सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी, आज जरा खा लीजिए ना प्लीज। क्या खा लीजिए, सेव कुरमुरा भी कोई खाने की चीज है? आ, खा लीजिए। चलो भी फाफड़ा मजा करती है मेरा। अभी देख क्या रहे हो, झपटो? अरे वो तो झपटूंगा ही। थैंक यू दया, थैंक यू। अरे गोली आओ, आओ बेटा, आओ आओ गोली आओ, नाश्ता करेगा? हाँ बेटा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ बोलो बोलो विनय भाई। एक मिनट बेटा, आंटी ला रही है ना तुम्हारे लिए, इसमें वो मिर्ची वो तिखिया दी ना, इसके लिए और कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो विनय भाई। अरे नहीं भाई नहीं, पेमेंट की वजह से आपकी डिलीवरी नहीं रोकी है बापा। अरे भाई आपने मॉडल ऐसा सिलेक्ट किया है कि गर्मा गर्म जलेबी फाफड़े की तरह वो ऐसा बिक जाता है। नहीं नहीं आप बेफिक्र रहो, वो मैंने ऑर्डर दे दिया, कल आपको पक्का डिलीवरी मिल जाएगा। हाँ चौकस चौकस। हाँ ओके ओके। सॉरी अंकल, बहुत भूख लगी थी। ओ आंटी जल्दी लाओ ना प्लीज। बेटा बस बहुत ज्यादा खाएगा तो फिर पेट बिगड़ जाएगा बेटा। अंकल ज्यादा कहाँ खाया है, एक ही तो प्लेट खाई है। तुमने अभी जो डकार खाया ना बेटा, वो पेट भर जाने का सिग्नल है। नहीं नहीं अंकल, मेरा सिग्नल अलग है, सब खाना खत्म हो जाए वही मेरे पेट भर जाने का सिग्नल है। टिप्पू के पापा वो प्लेट जरा यहाँ रखियो ना। आंटी प्लेट नहीं चाहिए, ऐसे ही दे दो। दया और है जलेबी फाफड़ा के? नहीं और बस, अभी कितना खाएंगे? ज्यादा खाएंगे ना तो पेट बिगड़ जाएगा। चलो जाता हूँ दुकान। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। खो बेटा। बाय पापा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे गोली तू कब आया? अरे कब से आया है। गोली तू खा ले, उसके बाद जो मामा ने वीडियो गेम दिया ना वो दिखाता हूँ मैं तुझे। ओके। आराम से गोली। हाँ हाँ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गोली को डांटूंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा, क्या करूं? कौन है जो गोली को अच्छी तरह से समझा सकेगा? यस मेहता साहब। हाल पूछ रहा है, युद्ध की घोषणा कर रहा है छोड़ी? ओए हम तो हमेशा ऐसे जोश में रहते हैं जी। अरे भाई तेरा ये जोश तो ठीक है छोड़ी, लेकिन तेरे जोश को कंट्रोल कर, किसी दिन किसी के होश उड़ा देगा। चलो छोड़ो, और बताओ क्या खास? और मेहता साहब दिवाली पे मैंने किसी ने किताब गिफ्ट दी है, पूरे 1000 रुपए की है जी, मैंने सोचा आपको भेज दूं। अरे मैंने सोचा ये गिफ्ट आपको गिफ्ट कर दूं, और मेरे तो घर में ऐसी पड़ी रहती क्योंकि मैं तो पढ़ूंगा नहीं। ये क्या बात है छोड़ी, क्या व्यापारी हो, आई भी गिफ्ट आगे दे दूं हैं? हेलो जी। क्या है भाई देखे। ओ हो, ये गिफ्ट लाया मेरे लिए, रख ले वापस ये गिफ्ट। छोड़ी मेरा दोस्त है या दुश्मन है, क्या है तू? कौन सी किताब गिफ्ट कर रहा है यार? सूप एंड सैलड।
अरे जितने एक बायोलॉजी के लैब में मेंढक पे एक्सपेरिमेंट नहीं होते ना, उतने अंजलि मुझ पे करती है तरह तरह का खाना खिला के। और ये किताब और ले आए हो तुम? ये भगवान पता नहीं ये किताब अगर देख लेगी तो मेरा क्या हाल करेगी। ले जा भाई ले जा। और मेहता साहब आप ये गिफ्ट लो या ना लो, मैं अंजलि भाभी को ये गिफ्ट जरूर दूंगा। अरे भाई सोढ़ी, अंजलि को ही तो ये किताब नहीं दिखानी है, बगैर किताब के इतने सारे खाने तरह तरह के मुझे खिलाती है। किताब पढ़ के पता नहीं कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करके सूप पिलाने वाली है। अरे सोढ़ी भाई कब आया? अजी अभी आया, आपके लिए गिफ्ट है जी। मीट सूप एंड सैलड। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। तारा, इस बुक को मैं पिछले एक साल से ढूंढ रही हूँ। थैंक यू सो मच सोढ़ी भाई। मोस्ट वेलकम जी। ओह तारक, ये लीजिए आपका नीम का जूस। अरे क्या करती हो अंजलि, मेहमान घर में बैठे और मैं कुछ खाऊं पीऊं, अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं मेहमान हमारे, सोढ़ी को पिलाओ, सोढ़ी को पिलाओ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, और मैं घर पे अभी पूरे 6 ग्लास लस्सी पी के आया हूं जी, आप पियो ना। सोढ़ी पीना पड़े मेहता साहब। अरे कोमल भाभी आई आई। ओ कोमल भाभी जी आओ बैठो। नहीं नहीं बैठे ना सोढ़ी। ओ बैठो कोमल भाभी जी, आओ जी बैठो। मेहता साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ कोमल भाभी? गोली ने व्रत लेके मुझे परेशान कर दिया है। अरे तो इसमें काहे की प्रॉब्लम, व्रत करेगा तो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो वजन कम होगा, अच्छा है ना? मेहता साहब लोग व्रत में खाना नहीं खाते हैं, पर गोली ने तो दिन में 10 बार खाने का व्रत लिया है। क्या मतलब? मेहता साहब बात यह है कि गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, पर आप तो जानते ही हैं हंस जहाँ वजन कम करने के ट्रीटमेंट के लिए गए हैं वो नेचुरोपैथी सेंटर में ना कोई उनसे मिल सकता है और ना कोई फोन पे बात कर सकता है। तो गोली ने ठान लिया है कि वो खाना खा खा कर अपना वजन बढ़ाएगा और वजन कम करने के बहाने अपने पापा को मिलाएगा, इसीलिए वो सोसाइटी में हर एक के घर जाकर खाना खा रहा है। अच्छा, पर हमारे यहाँ तो वो खाना खाने आया नहीं। समझदार है। हाँ? अरे? अभी कहाँ है गोली कोमल भाभी? घर बैठकर खाना ही खा रहा है। तारक आप जाकर गोली को समझाइए ना। हाँ मैं तो सब, प्लीज चलिए ना। चलिए चलो जी, मैं भी चलता हूँ। हाँ, चलो चलिए चलो जी चलो। और 10-15 किलो बढ़ा के ही रहूंगा। अरे गोली लाओ मुझे तो। हाय गोली, हाउ आर यू? हाय। अब पता की हाल है? मुझे पता है, आप दोनों मुझे समझा नहीं आए हो ना। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं पुत्र, सच में ऐसी कोई बात नहीं है यार, हम समझते हैं तू अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है यार। और तू क्या बेटा, हम भी तो हमारे दोस्त डॉक्टर हाथी को कितना मिस कर रहे हैं, क्यों? हाँ। तो चलो ना, हम सब उनके पास जाते हैं। बेबी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे बेटा मैं जानता हूँ कि तू पापा को मिस कर रहा है और पापा से मिलना चाहता है, अभी थोड़े दिन पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम सब लोग है ना, क्या सोड़ी? अरे हाँ बिल्कुल मैडम ना, और चल गोली पुत्र, हम सारे मिलके पिक्चर देखने जाते हैं। हाँ। पापा भी आएंगे? अरे पुत्र पापा कैसे आएंगे? तो फिर मुझे पिक्चर नहीं देखनी। अच्छा मेरे पास एक बेटर आइडिया है, हम लोग एक काम करते गोली, हम सारे लोग मिल के पिकनिक पे चलते हैं। अरे बेटा कैंप में तो पिकनिक मनाने के लिए कैसे जा सकते हैं, वहाँ तो वो वजन कम कराने के लिए इलाज करा रहे ना, और एक्चुअली उस कैंप में फोन्स भी अलाउ नहीं है यार, और बाहर वाला तो कोई अलाउड नहीं है गोली, नहीं पॉसिबल बेटा। अरे तू क्यों चिंता करता है यार, तेरे पापा थोड़े दिन वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो करने दे, हम लोग है ना तेरे चाचा लोग। हाँ। नहीं मेरे चाचा ऐसे पतले नहीं है, एकदम हट्टे कट्टे, और वो मेरे लिए गिफ्ट भी लाते हैं। ये दिवाली में तो चाचा जी भी नहीं आए और मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं भेजी, सब मुझे भूल गए। गोली देखा मेहता साहब, मैं क्या करूँ इस लड़के का? वैसे कोमल भाभी एक चीज आप कर सकते हैं, उसकी बातों से लगा कि वो अपने चाचा से बड़ा क्लोज है, तो आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेती थोड़े दिन, ताकि वो अपने पापा को मिस नहीं करे। मेहता साहब यार दैट्स अ गुड आइडिया। हां मैं अभी फोन कर देती। गुड, थैंक यू मेहता साहब। अरे थैंक यू सोढ़ी भाई। अरे मोस्ट वेलकम। चलो ओके बाय, चलो बाय। Oh.
हेलो हेलो गजराज, मैं कोमल भौजी बात कर रही हूँ। हेलो कोमल भाभी, कैसी हैं आप? बस यहाँ सब मजे में। वहाँ सब कैसे हैं? अरे बिल्कुल मजे में। और हंस भाई आ गए वजन कम करके? पता नहीं कितने दिन और लगेंगे ट्रीटमेंट में। गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है और उनको वहाँ जाके मिलने की जिद कर रहा है। और दूसरा क्या, तुम लोग भी दिवाली में नहीं आए तो बेचारा बहुत लोनली फील कर रहा है। हाँ भाभी, इस बार आना तो था पर अरे तो अभी आ जाइए ना, गोली की छुट्टियाँ चालू है। देखिए भाभी, दरअसल ये बात है कि कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी भाभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक काम करो ना, आप छोटे वनराज को बुला दो ना। वैसे भी तो कोई पेशेंट उसके क्लिनिक में आता नहीं है। उसकी क्लिनिक शहर से इतनी दूर है कि कोई जाता ही नहीं है। वो अभी बिल्कुल फ्री बैठा होगा, उसको बुला लीजिए। ओके ठीक है, मैं वनराज को फोन करती हूँ। ओके भाभी, थैंक यू। सॉरी हाँ भाभी, इस बार मैं नहीं आ पाया, सॉरी। हाँ ओके गजराज, अपना ख्याल रखना। हेलो डॉक्टर वनराज हाथी। हेलो वनराज। अरे कोमल भाभी। ठीक पहचाना, मैं कोमल भौजी बात कर रही हूँ। कैसी हैं? बस यहाँ सब अच्छा है वनराज। वो क्या है ना कि अच्छा गजराज भाई नहीं आ रहे। हाँ भाभी, एक्चुअली क्या है ना कि बड़ी मुश्किल से दो पेशेंटों ने मेरी अपॉइंटमेंट ली है। ओ, अगर वो भी कैंसिल कर दूंगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए भाभी मेरा भी आना मुश्किल है। ठीक है वनराज, लेकिन प्लीज कोशिश करना आने की। ऑनेस्टली भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है कोमल भाभी। ओके वनराज, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओह गॉड, वनराज और गजराज दोनों नहीं आ पा रहे, अब क्या करूं? ओहो, गजराज भैया भी नहीं जा पा रहे, पर कोमल भाभी का फोन आया है तो गोली को ज्यादा ही मिस कर रहा होगा। कोमल भाभी का एसएमएस, वनराज भी नहीं आ रहा है। पेशेंट्स को तो डॉक्टर दुबे संभाल लेंगे, आखिर फैमिली कम फर्स्ट। मैं गोली को नाराज नहीं कर सकता। कॉन्फ्रेंस तो होते रहेंगे, पर अगर मैं गोली के लिए नहीं गया तो जिंदगी भर अफसोस होगा। गोली, तेरा वनराज चाचा आ रहा है। गोली, तेरे गजराज चाचा आ रहे हैं। आज यह टैक्सी नहीं दिखाई दे रही है। ओ भाई साहब जी, आज यहाँ टैक्सी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? टैक्सी वालों की हड़ताल है। अरे बाप रे बाप। रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट लेना, हाईवे लगेगा, हाईवे से सीधा गोरेगांव जाना, वहीं पाउडर गली। अरे भाई एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है। तो जाओ। चलो। नहीं बाबा नहीं, आपको बिठाऊंगा तो टायर पंचर हो जाएगा, पंचर बनाने जाऊंगा तो धंधे का टेम खोटे होगा, आप दूसरा रिक्शा पकड़ लो। सॉरी यार। क्या यार तुम लोग, क्या मैं रिक्शा में कभी जिंदगी में बैठा नहीं हूँ क्या? ओ रिक्शा, गोकुलधाम पाउडर गली। नहीं बाबा नहीं। ए, 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 रुक यार, ए, ए, रिक्शा किधर जा रहा है? रिक्शा, ओ रिक्शा। शे, कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं मुझे बिठाने के लिए। रिक्शा रिक्शा, ओए गजराज भैया। अरे भैया आप? वनराज, तू तू तो नहीं आने वाला था।
कोमल भाभी ने बताया कि आप नहीं आने वाले थे। कोमल भाभी ने मुझे भी SMS भेजा कि तू नहीं आ रहा है। हाँ, बाद में मैंने सोचा कि गोली मिस करेगा ना, तो मैं सोचा मिल के आऊँ। हाँ, मैंने भी यही सोचा कि बेचारा गोली हमें मिस कर रहा है, तो मैं भी उसे मिलाऊं। और ये मिसिंग के माहौल में हम दोनों मिल गए। सही बात है। भैया, मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको काम ज्यादा हो ना, आप चले जाइए, गोली को मैं मिल लूंगा। अरे तुझे ज्यादा काम है तो तू चले जा, मैं गोली को मिलाता हूँ। अरे नहीं भैया, आप चले जाइए। नहीं, तू चले जा। भैया एक काम करे, हम टॉस कर ले। हाँ, लेकिन संभाल के, हाँ, तू हमेशा कॉइन उछालता है तो कॉइन घूम जाता है। इस बार नहीं घुमाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, काटा आएगा तो मैं वापस जाता हूँ, छापा आएगा तो तू वापस जा। ठीक है? ठीक है। अरे सॉरी भैया, गलती से आ गया, वापस दीजिए, वापस दीजिए। अरे साहब, अरे इस महंगाई के जमाने में 1 रुपया देते हो और वापस मांगते हो, शर्म नहीं आती? भाई साहब, आप अपना 1 रुपया रख लीजिए। हाँ। बस इतना बताइए, काटा या छापा? वो क्या? भैया, मुझे लगता है कि भगवान की यही मर्जी है कि गोली को मिलने हम दोनों चले। सही बात है। पर हम जाएं कैसे? आज तो टैक्सी की स्ट्राइक है। हाँ, और कोई रिक्शे वाले मुझे बैठाने के लिए तैयार भी नहीं है। हाँ भैया, मैं भी कब से खड़ा हूँ, लेकिन कोई रिक्शा वाला बिठा ही नहीं रहा है। अब क्या करें? भैया पैदल चले, इतनी दूर, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ना। और भैया, इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी और टॉकिंग भी। सही बात। भैया बहुत थक गया मैं, चल के बैठे क्या? हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, चल बैठते हैं। भैया वहाँ चलो। हाँ चलो। अरे अरे भैया संभालो। हाँ हे वनराज। हाँ भैया। गोकुलधाम पहुँचते पहुँचते दम निकल जाएगा यार। हाँ भैया, मुझे लगता है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। आहा, चला मंडली निघूया। काय कुठे निघूया? टेन 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 क्लास खत्म। भाई हमारा सोडा तो खत्म होने दे। अरे जेठाला लेट हो रहा है। लाल, हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्यों, अभी तुम भी हो पानी का मोटर चालू करने जाते हो भिड़े के साथ? कल थोड़ा लेट उठना, उसमें क्या? हाँ और क्या यार, एक दिन लेट उठोगे तो कौन सा न्यूटन का लॉ बदल जाएगा, आइंस्टीन की थ्योरी चेंज हो जाएगी। रुको रुको। कल गोदड़ी हटके पड़े रहना भाई। मौज मस्ती करो भाई। अरे डॉक्टर हाथी के भाई आ रहे हैं। अरे पर ये दोनों पैदल क्यों आ रहे हैं इस तरह से? ये दोनों डॉक्टर है, फिर पेशेंट जैसे क्यों लग रहे? अरे दोनों पसीना पसीना हो गए। देखो, अरे आइए आइए आइए, वेलकम डॉक्टर वनराज, डॉक्टर गजराज, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। आजाओ गज्जू गज्जू यार, वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे पर एक बात बताइए, आप लोग ऐसे पैदल क्यों चल के आ रहे हैं? क्या करें, टैक्सी वालों की स्ट्राइक है और रिक्शा वाले बिठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। सही बात है। अरे तो अलग अलग रिक्शा में आना था ना। अरे अलग अलग रिक्शा की ही बात कर रहा हूँ, हम दोनों एक रिक्शा में थोड़ी फिट हो सकते हैं। कोई हमें बैठाने के लिए तैयार ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को देख के गोली बहुत खुश हो जाए। सही बात है।
हाथी भाइयों, एक एक ठंडा सोडा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें ही नहीं सबको पिलाओ। क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे हमने तो अभी अभी सोडा पी के ग्लास रखा है। हमारा हो गया। हाँ अभी जस्ट पिया है हम लोगों ने। अरे हमें भी तो कंपनी दीजिए, तभी तो मजा आएगा। क्यों भैया? हाँ सही बात है। पिलाइए। चलो ठीक है भाई, पिला भाई, पिला पिला पिला। और एक बनाओ सबके लिए। और एक एक। अरे नहीं नहीं बहुत हो गया भाई, अभी पी लिया हमने बहुत, थैंक यू। अरे एक और हाँ हाँ मजा आ जाएगा। और एक एक बना दो सबके लिए। हो जाए चलो बना बना भाई बना। जा भाई अब्दुल। चलो भाई रेडी है रेडी है। और एक एक बनाइए ना। हाँ मजा आ जाएगा। और एक एक बना दो सबके लिए। ठीक है भाई हूं जाओ उधर। पेट एकदम चंगा हो गया भैया। कितना हुआ? अरे वंदराज भाई क्या बात कर रहे हैं आप, कितने हुआ बोले? आप तो मेहमान हैं हमारे, आप पैसे नहीं दे सकते। अरे अब्दुल खाते में लिख दिया। किसके? कितना हुआ बिल? 325। हाँ तो भिड़े के खाते में लिख दे। चलो चलो लेट आज तो सोडे का धंधा सॉलिड हो गया। ऐसे ही आते रहना मेहमानों। गोली ये सब क्या है? प्लीज अब खाना बस कर। मेरे बाप दे मुझे। नहीं मम्मी नहीं। गोली नहीं मम्मी। मेरी बात सुन तू मार खाएगा। मैं वजन बढ़ाना है प्लीज। दे गोली जिद मत कर मुझे प्लेट दे दे। नहीं मम्मी मेरी बात मत। गोली चाचा जी पति गजराज चाचा वनराज चाचा गजराज भाई वनराज भाई। माय गॉड तुम दोनों वो भी एक साथ। आई कांट बिलीव दिस। आइए आइए एक मिनट चाचा जी। गोली क्या गोली क्या आना ही था। थैंक यू चाचा जी। गोली ये क्या जिद कर रखी है खाते रहने की? चाचा जी मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। डोंट वरी बेटा तुम्हारे पापा बहुत जला जाएंगे। हाँ। लेकिन उसके पहले तुम्हारे दोनों चाचा आ गए। नाउ आर यू हैप्पी गोली? वेरी हैप्पी। पर चाचा जी जब तक पापा नहीं आते तब तक आप दोनों मेरे साथ रहोगे। ओके ओके जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे हम यही रहेंगे। yes! अरे भैया अब जब हम इतने दिन यहाँ रहना है तो क्यों ना हंस भैया की क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दे। yeah, that's a good idea. वैसे भी हंस के पेशेंट उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। तो कल से क्लिनिक शुरू? yes! हाँ, हम क्लिनिक भी संभालेंगे, खाएंगे पिएंगे और खूब मजा करेंगे। सही बात है। ठीक नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ठीक।
फूला हुआ गुब्बारा जैसा पैट हो गया है। तेरा नाखून दूर रख, कहीं लग गया नाखून तो फूट जाएगा गुब्बारा। दया बस कर, पहले ही पेट में परेशानी है, अभी दिमाग को परेशान मत कर। पहले से दिमाग को तसली दी होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब? मतलब कोमल भाभी के दोनों देवर आठ, क्या आठ एक आठ आठ दो सोलह आठ तेरी चौबीस ग्लास सोडा पी सकते हैं। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके पेट में आठ में से चार ग्लास सोडा पीने की ही जगह है। देखिए मेरी माँ कहती है कि मेढक को उतना ही पेट फुलाना चाहिए जितना फुला सके, ज्यादा फुलाना जाएगा ना तो तकलीफ होती है। दया दिमाग का सोडा मत कर प्लीज। देखिए देखिए ये सोडा आपके दिमाग तक पहुंच गई है, आपने कहावत भी गलत बोली। अरे दिमाग का सोडा नहीं, दिमाग का दही होता है। वही मत कर। मतलब आप जुबान मत चलाइए, पैर चलाइए, अच्छा रहेगा। चलिया चलिया। अरे क्या कर रही है, पथरी बस दर्दी नहीं हूँ मैं, चल सकता हूँ। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ठीक है आइए आइए संभल के। हाँ टेबल है संभल के आइए। दाई घूमना आइए। वाह आइए 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 आइए। अब अच्छा लग रहा है ना? अरे दो कदम चलो उसमें क्या अच्छा लग रहा है ना? मैं भी बेवकूफ हूँ। तुझे आज पता चला? या? कुछ नहीं। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप चलने लग गया, चलिए 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 आप चलिए, तब तक मैं चूरन लेकर आती हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। हा? आती हूँ मैं। दया की बात सच है, मैं भी कहा ये हाथी भाई के भाइयों के बहकावे में आ गया। उनके पेट की साइज क्या, मेरे पेट की साइज क्या, लंबा भेगो टुको जाए, मरे नहीं तो मांदो थाए। ये क्या इतना सारा चूरन? हाँ तो सोडा भी ज्यादा पी है ना? क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। देखिए चम्मच बड़ा है, बाकी इसके अंदर की चूरन की मात्रा तो उतनी ही है जितनी आप रोज लेते हैं। तो इतना बड़ा चम्मच में क्यों लेके आई? बहुत पंचायत है आपको। हाँ है। अरे वो क्या है कि सभी छोटी चम्मचे धोने में रखी है ना, इसलिए जल्दी में जो भी मिला उसे लेकर आ गई। और आपको इसमें जो चूरन है वो खाने का है, इतना बड़ा चम्मच थोड़े ना खाने का। चलिए आ कीजिए। वाह प्रभु वाह, क्या बीवी दी है आपने मुझे, एकदम कॉमेडी नंबर वन। गुड मॉर्निंग कपिलधाम। आई आई हो बाबा है। आई इनको क्या हुआ ये पूछ रही हूँ। अरे सर्दी खांसी जुकाम। इतनी ज्यादा खांसी कैसे हो गई? भाग ना। अरे क्या हुआ सुनो, कल अब्दुल की शॉप पे सॉरी अब्दुल की शॉप पे चार पांच सोडा एक साथ पी लिया इसलिए। इतना सोडा पीने की क्या जरूरत थी बाबा? अरे क्या हुआ कि हम लोग सोडा पी रहे थे ना, तभी वह हाथी भाई के दो भाई आ गए, गजराज जी और वनराज जी। तो इतना बात कर रहे हैं आप, जाइए डॉक्टर को दिखा के आइए एक बार। हाँ अरे माधवी डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, ये दो यार तीन दिन की खांसी और सर्दी है, चली जाएगी। अहो ये सर्दी खांसी आपके आज्ञाकारी स्टूडेंट्स नहीं है जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से चले। हम्म,
जाइए ना, डॉक्टर हाथी को दिखा के आइए ना एक बार। लेकिन माधवी, हाथी भाई है कहाँ यहाँ पे? उनके भाइयों को दिखा के आइए ना, वो भी तो डॉक्टर है। अरे हाँ, कठिन है पापा। अरे भिड़े जी, आइए आइए आइए। गुड 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। क्या हुआ भिड़े भाई, खांसी हो गई है क्या? हाँ, सिर्फ खांसी नहीं डॉक्टर साहब, जुकाम की वजह से सर भी बहुत भारी हो गया है। अरे कल कुछ ज्यादा ठंडा पी लिया था क्या? अरे भूल गए डॉक्टर साहब, हम लोग सोडा शॉप पे मिले थे तो काफी सारी सोडा पी ली थी ना मैंने। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। छोटे, इनका चेकअप कर ले। भैया आप भी चेकअप कीजिए ना। तू चेकअप कर लेना। अरे भैया, मैं जब भी कोई नई जगह पे चेकअप करता हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है पेशेंट के साथ। मेरा भी तो वैसे ही है। तो फिर क्या करें भैया, हमेशा की तरह टॉस कर ले। टॉस? नहीं 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 नहीं, तू हमेशा कॉइन घुमा देता है। हा? एक काम करते हैं। हाँ? हम दोनों एक साथ मिलकर इनका चेकअप कर लेते हैं। सही बात है। आइए। नहीं, मैं फिर बाद में बात। अरे डरिए मत, आइए। एक से भले दो। एक से भले दो देवा। आप चेकअप कर लेते हैं। आइए आइए भिड़े जी, आइए। लेट जाइए। हाँ खोलिए। ये वाली। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। जोर सांस अंदर लो। सांस कैसे अंदर लो मुँह खोलने के बाद? अरे खांसी है मैं। जोर से सांस लीजिए और। अरे वाह, इसमें से तो कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी अजीब आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, वो धड़कन है। ओ, अच्छा याद दिलाया। ठीक है, चलिए। ठीक है ठीक है, चलिए। चिंता की कोई बात नहीं, अभी दवाई दे दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये लीजिए। हाँ। ये दवाई मेरी तरफ से और ये मेरी तरफ से। हाँ? अरे डॉक्टर साहब, ये दोनों तो अलग अलग दवाइयाँ हैं। मैंने अपने हिसाब से दी है और मैंने अपने जजमेंट से। तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है एग्जैक्टली? आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और कॉइन का टॉस कर लीजिए। सही बात है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भिड़े भाई, टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले 3 दिन बड़े भाई की दवाई लीजिए, फिर भी ठीक ना हुआ तो बाकी के 3 दिन मेरी दवाई ले लीजिए, और फिर भी ठीक ना हुआ तो आप बड़े भाई की वेट कर लीजिए, हाथी भाई की, वो आपको सही दवाई देंगे। सही बात है। थैंक यू। खामखा डर गए, मामूली सा जुकाम है। चाचा, अगर आप फ्री हो तो आप जो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं वो टप्पू सेना को दिखा देना। चलो ना। अरे बेटा, हम टप्पू सेना के लिए भी गिफ्ट लाए हैं। सबके लिए? हाँ, गोकुल धाम में आकर टप्पू सेना का कोई भूल सकता है? सही बात है। हेलो। अरे फ्रेंड्स, मेरे चाचा जी तुम सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। हाँ, ये लो बेटा। लेकिन अंकल, ऐसे बॉल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन ये आम बॉल नहीं है, इसे रात को उछालने से अंदर से लाइट जलती है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। और पता है फ्रेंड्स, जब तक मेरे पापा नहीं आते तब तक मेरे दोनों चाचा जी यहीं